हाय सुहेल, वेलकम ऑन सनी स्पीक्स। हाय हाय रिचा, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखिए रिस्पांस कैसा जा रहा है शर्मा जी नमकीन का। बहुत ही बेहतरीन, दिल खुश हो रहा है, रूह खुश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने आखिरी फिल्म करी है ऋषि जी के साथ, उनकी फिल्म इसमें जी आपका इतना बड़ा योगदान, तो कैसा लगा उनके साथ काम करके और क्या बोलना चाहेंगे? लाइफ का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस था वो, ऋषि जी के साथ। मतलब उनको जिस तरीके के वो इंसान थे, उनको जानना और उनसे बातें करना और उनके साथ काम करना, स्क्रीन शेयर करना, मतलब इतना लकी खुद को मैंने महसूस किया। और वाइल फिल्मिंग भी मैं ऐसे ही महसूस करता था कि यार, कि आई एम प्लेइंग ऋषि जी सन, मतलब सच अ बिग ऑनर। तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मतलब उनके बारे में तो कुछ कहना तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। एग्जैक्टली हम सबको पता है कि ही वाज एन अमेजिंग पर्सन एंड अमेजिंग एक्टर। तो ड्यूरिंग द शूटिंग उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो आप लोगों के साथ जब वो काम करते थे तो आपको लगता था कि उनको कुछ प्रॉब्लम चल रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कि मतलब जब भी उनकी तबीयत खराब हुई एक दो बार, तब ऐसा नहीं था कि सेट पे उनकी तबीयत खराब थी या हमको लगा कि आज वो थोड़े वीक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था कभी भी। लाइक इट ऑलवेज केम एज अ सरप्राइज टू अस कि अरे, मतलब ठीक तो थे। तो क्योंकि आपको नहीं पता होता ना, और वो है कि वो इतने डेडिकेटेड एक्टर थे कि अगर उनको कुछ हो भी रहा होगा, शायद उन्होंने कभी, मतलब शो नहीं अगर उनकी कर। बॉडी नहीं तैयार होगी तो उन्होंने कभी शो नहीं किया। ओके, तो 4 साल तक ये फिल्म चली, आपको बीच में लग रहा था बनेगी कुछ सब करने के बाद? बहुत बार लगा, बहुत बार लगा। और मतलब क्योंकि जब पहले उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था, सो इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब 1 साल लग गया था। तब हम लोग तो आगे बढ़ चुके थे, लाइक मैं दूसरे प्रोजेक्ट्स कर रहा था, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा था। और फिर वो ठीक हो गए और देन एक्सेल केम ऑन बोर्ड और हर चीज फिर एक नए तरीके से स्टार्ट हुई। पर फिर लॉकडाउन हो गया, फिर उनकी अनटाइमली डेथ। तो एकदम से हर मोमेंट पे हमको लगता था कि अब तो ये नहीं होगा। और इतना फिर सोचते भी नहीं थे, क्योंकि ऋषि जी का जो लॉस था वो फिल्म से काफी बड़ा लॉस था। कि उसके बाद आप ये नहीं सोच सकते कि यार, अरे पर अब फिल्म नहीं बनेगी। मतलब वो लाइक वी लॉस्ट ऋषि कपूर, दैट वॉज अ मच बिगर थिंग। पर ऐसा तो लगता ही रहा कि जब तक, और अभी भी ऐसा होता है कि जब मैं देखता हूँ फाइनली फिल्म बाहर आ गई है, लोग देख रहे हैं, तो लाइक खुद को पिंच करना पड़ता है कि हाँ, ये रियलिटी है कि फिल्म फाइनली बाहर है और और परेश जी अच्छी बनी का, है, और बहुत अच्छी बनी है। बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल ग्रिपिंग है, और ऐसा लगता है हम घर में नॉर्मल जो चीजें होती है डे टू डे में वही चीजें देख रहे हैं। तो परेश जी का आना ऑन बोर्ड, मतलब कैसा लगा आप लोगों को कि वो कितने, मतलब उन्होंने क्या बोलते हैं ना, कितना उन्होंने उसको आगे करके अपने आप को ऋषि कपूर जी को कितना इक्वल रखा उन्होंने, वो कैसा लगा आपको जब वो आए तो? बहुत अच्छा लगा। मतलब वो तो जब परेश जी के साथ हम पहले दिन सेट पे आए, तो एक एक मोमेंट के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि हम किसी अलग एक्टर के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर ही थे। तो और वो ही है ना कि मतलब इतने लेजेंड्स हैं ये लोग, कि आपको फिर समझ में आता है कि यही रीजन है कि क्यों इनको लेजेंड बोला जाता है। कि इतने वेलकमिंग, इतने वार्म और इतने अच्छे अपने काम में। तो एक मोमेंट के लिए भी ऐसा नहीं लगा था कि अरे कोई और एक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसा लगा था नहीं, ये तो शर्मा जी ही हैं। दैट ओके, वाज ब्यूटीफुल। हम जब फिल्म देख रहे थे, मुझे थोड़ा सा पूछना है आपसे कि कुछ पार्ट में ऋषि जी दिख रहे थे, कुछ पार्ट में परेश जी दिख रहे थे, वो कैसे एडिट हुआ? और वो मतलब कार में आपके साथ वो जा रहे हैं और फिर अगले ही पल नेक्स्ट सीन में वो दिख रहे हैं, तो ये सब शूट कैसे हुआ, कैसे ये सब हुआ था? मतलब वो तो ऐसा हुआ कि पहले ऋषि जी के साथ जितना शूट होना था वो हुआ, जो बैलेंस बचा हुआ था वो परेश जी के साथ शूट हुआ। अब वो तो एडिटर ने उस तरीके से एडिट किया, मतलब वो तो कमाल की एडिटिंग की है कि हाँ, इट लुक्स सीमलेस। पर वो हुआ तो ऐसे टुकड़ों में ही था ना, कि जो सीन ऋषि जी के साथ नहीं हो पाए वो सीन परेश जी के साथ है। कि अच्छा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि कुछ भी रीशूट किया हमने, क्योंकि ऋषि जी का सब कुछ जितना था जैसे था वैसे ही रखा गया। ओके ओके,
सोहेल आपसे एक बात जानना चाहूंगी, लोग आपको इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं, आप दिखते क्यों नहीं है इतना ज्यादा? लोग देखना चाहते हैं आपको, एंड आप पहले देखो ना मेरी पिक्चरें इतना टाइम लेती है आने में, मैं क्या करूं। तो होटल मुंबई भी, उसको भी बहुत टाइम लगा। मैंने होटल मुंबई फिनिश की थी 2017 में। अब उसका कोई कोर्ट केस हो गया बीच में। इट वाज इनिशियली हार्वी वाइनस्टीन वाज द प्रोड्यूसर, वाज द स्टूडियो, वाइनस्टीन फिल्म्स थी व्हेन वी वर शूटिंग। पर फिर मी टू हुआ, पता चला यार वो तो बहुत गंदा आदमी है। तो फिल्म का एक अलग कोर्ट केस चला। फिर यहाँ पे जो इंडिया के कोई फाइनेंसर थे उनका कोई केस हो गया था। इट वाज ओरिजिनली अ नेटफ्लिक्स रिलीज, तो इतनी दिक्कत हुई। तो फिल्म फाइनली 2019 में बाहर आई। तो इसमें मेरा कोई वो नहीं है कि मैं अपनी तरफ से अपना काम कर देता हूँ, उसके बाद चीज आने में इतना टाइम लग रहा है। मैं भी ज्यादा आना चाहता हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 2016 से आई थिंक आपने एंट्री करी है बॉलीवुड में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी 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 बिल्कुल। 2022 चल रहा है सोहेल, एंड यू आर सो गुड इन एक्टिंग इन परफॉर्मेंस। और आप पहले एक ऐसे नेगेटिव कैरेक्टर है होटल मुंबई के, जो आप इतना मार भी रहे थे लोगों को, फिर भी आप एकदम हीरो की तरह दिख रहे थे और आपको बहुत पसंद किया गया। मतलब आगे क्या प्लानिंग्स है आपकी अभी? नहीं, ये आप सेम सवाल हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से पूछो कि क्यों नहीं ले रहे इसको, क्यों नहीं इसको बना रहे। तो कैसे ऑफर्स आते हैं, किस तरीके की ऑफर्स क्या आते हैं और आप रिजेक्ट कर देते हैं, या कुछ पर्टिकुलर? मतलब हर तरीके की चीज होती है, मतलब हर तरीके की चीज होती है कि अभी तक जितनी भी चीजें मैंने की हैं, बारिंग गिनी वेट सनी, हर चीज ऑडिशन के बाद मुझे मिली है। तो मतलब ऑडिशंस भी आते हैं, ऑफर्स भी आते हैं, और कुछ चीजें मुझे नहीं पसंद आती कई जगहों पे, लोगों को मैं नहीं पसंद आता शायद, तो वो लोग लेते नहीं। पर मुझे काम करने में बहुत मजा आता है, और मेरे को बहुत सारा काम करना है, और मतलब क्वालिटी काम ही करना है। कि ये बात शायद सच है कि मैं बहुत चीजें मना भी कर देता हूँ, बिकॉज मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उस चीज में मजा कितना आएगा और कैरेक्टर का कितना स्कोप है, और मुझे एक्टिंग में कितना एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। होटल मुंबई का जो किरदार आपने किया था सोहेल, वो इतना डरावना था, इतना मतलब हम लोगों ने जो देखा है, जो बीती है लोगों के ऊपर, वो किरदार आप निभा रहे थे, कैसा लग रहा था वो करते टाइम, और कितना गुस्सा आ रहा था अपने कैरेक्टर को करते टाइम आपको? नहीं, तब तो गुस्सा नहीं आ रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके। क्योंकि जब आप कोई किरदार कर रहे होते हो तो आप उसको जज नहीं कर सकते। क्योंकि हम लाइफ में भी ऐसे ही काम करते हैं ना, कि आप कुछ गलत कर रहे होते हो पर आपको नहीं पता होता आप गलत कर रहे हो, आपका बिलीफ सिस्टम एक अलग ही चीज पे काम कर रहा होता। तो कैरेक्टर्स को भी ऐसे ही अप्रोच किया जाता है, मतलब टेक्निकली ऐसे ही करना चाहिए, पता नहीं लोग बाकी कैसे करते हैं, पर मैं अपने कैरेक्टर को चाहे कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, वाइल परफॉर्मिंग मैं उसको जज नहीं कर सकता। मैं एज एन ऑडियंस उसको जज कर सकता हूँ कि यार ये तो बहुत ही गंदा आदमी है, पर वाइल डूइंग इट मैं वैसे नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम उसका बिलीफ सिस्टम कुछ और है। उस टाइम उसका बिलीफ सिस्टम है कि यार दो रात से सोया नहीं हूँ, ये काम खत्म करना है, जहां भी कोई दिखे उसको मारना है। सो इट वॉज लाइक जॉम्बी की तरह आप वो जॉब कर रहे थे, पर वो कैसा दिख रहा था वो ऑडियंस की परसेप्शन है, क्योंकि अगर मैं उसको जज करूंगा तो फिर मैं उसको परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन ही नहीं करेगा। तो अभी आगे क्या प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स हैं या कुछ है ओटीटी पे आपका अभी? ओटीटी पे हैं दो शोज जिनके बारे में अभी बात नहीं कर सकता मैं। मेरा मन बहुत है बात करने का पर अभी कर नहीं सकता। एक पोस्ट प्रोडक्शन में है, एक का अभी बस शूट चल रहा है। तो एक अमेज़न ओरिजिनल है और एक और है जिसका प्लेटफॉर्म अभी पता चलेगा कुछ टाइम में, बट दोनों चीजें बहुत अलग हैं एक दूसरे से, और बहुत ज्यादा अलग हैं शर्मा जी से। तो आप और नए किरदारों में देखोगे मुझे, पर ये बोलो यार लोगों को कि क्यों नहीं कास्ट करते। वो इंटरव्यू देखने के बाद काफी लोग शायद ये बात को समझेंगे, और जरूरत भी नहीं है सोहेल, बिकॉज़ आप वो लोग जेन्युइनली बहुत पसंद करते हैं, बहुत। नहीं, ये मुझे चीज फील भी होती है और इस चीज की खुशी भी होती है कि जो भी पसंद कर रहा है वो जिस तरीके का मैं इंसान हूँ या उसकी वजह से या मेरिट बेसिस पे, तो कोई शिकायत नहीं होती। पर ये है कि यार मतलब आप एक उससे निकलना चाहते हो ना कि हाँ चलो ठीक है अब हो गया, अब दो लीड रोल्स। और आई थिंक लाइक शर्मा जी वाज दैट, कि शर्मा जी में हितेश सर का
हनी सर का, अभिषेक सर का इतना भरोसा था मेरे पे कि यही यही करेगा. लाइक मेरा बहुत लंबा ऑडिशन चला था एंड आई एम श्योर बहुत लोगों ने ऑडिशन किया होगा, बट दे केप्ट कमिंग बैक टू मी. तो जो लोग भरोसा करते हैं उनकी भी कमी नहीं है, तो आई थिंक बहुत सारे लोग काम भी देंगे. बट बहुत नेचुरल सा रोल था, बहुत नेचुरल एक्टिंग थी, बिकॉज वो चीज ही इतनी क्यूट थी जो आप निभा रहे थे, ऐसे बेटे का रोल जो बहुत इरिटेट हो जाता है. तो रियल लाइफ में ऐसी कोई चीजें हैं जो आपको बहुत इरिटेट करती हैं, या फिर आप ऐसे नेचर के हैं, आप किस तरीके के नेचर के हैं? पता नहीं, सड़ू तो हूं मैं ऐसा मेरे घर वाले मुझे कहते हैं, पर आप घर वालों के साथ होते हो ना, मतलब एक टेंडेंसी होती है कि जो लोग हमको बहुत, जब हमें पता है कि ये लोग हमको अनकंडीशनली प्यार करेंगे, तो आप थोड़े हो जाते हो कि यार मम्मी मत करो, यार पापा मत करो. लाइक आप रूड नहीं हो रहे होते, पर आप लाइक दिस इज द वे यू टॉक, कि वो पेरेंट्स के साथ थोड़ी नोकझोंक होगी, भाइयों के साथ, भाई बहन के साथ आपकी नोकझोंक होगी. तो रियल लाइफ में भी ऐसा हो जाता है, पर ऐसा नहीं होता मैं कि घर छोड़ के जा रहा हूँ. आई नो, आपके हाथ में मैंने कुछ टैटू देखा, किसका नाम लिखा हुआ है? ये मेरे माता पिता का नाम है हिंदी और उर्दू में, गीता संजीव. So beautiful, so beautiful. तो सोहेल, अभी तो आपका ये वाला फिल्म बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है, अभी आपने कुछ अपने प्रोजेक्ट्स बताए हैं कि वो आने वाले हैं, इसके अलावा कुछ विश लिस्ट है, कोई फेवरेट डायरेक्टर्स हैं या कुछ ऐसी हीरोइंस हैं जिनके साथ आप काम करेंगे? डायरेक्टर्स तो फेवरेट डायरेक्टर्स तो भरे हुए हैं यार मेरे, मतलब जोया अख्तर, विशाल भारद्वाज, दिवाकर बैनर्जी, अनुराग कश्यप, अनुराग बासु, मतलब तो लिस्ट लॉन्ग तो मेरी खत्म ही नहीं होती. पर वो है कि जैसा सिनेमा देखना मुझे पसंद है वैसा करने का मौका मिलता रहे तो और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में. कैसा पसंद है आपको? जैसा मैं कर रहा हूँ, जैसे शर्मा जी नमकीन, इसका मैं ऑडियंस भी हूँ और इसका मैं एक्टर भी हूँ. होटल मुंबई, इसका मैं ऑडियंस भी हूँ, इसका मैं एक्टर भी हूँ. तो ऐसी चीजें लकीली मिलती रहे, क्योंकि उसमें जो एक्टिंग का मजा आता ना, और यहाँ पे काम करने ही तो आए हैं, मतलब अपना घर बार छोड़ के, परिवार छोड़ के अगर आप बंबई में रह रहे हो तो आपको इस चीज में मजा आता है, इसलिए आप इसमें हो. तो इसलिए अगर आप ऐसा काम करोगे जो आपको खुद देखना नहीं पसंद, तो फिर वो एक्टिंग का प्यार और स्वाद थोड़ा कम हो जाता है, तो उसका फिर फायदा नहीं है. करेक्ट. और अब दिल्ली से आप आई थिंक बॉम्बे आए हैं, और आपने पुणे से भी अपनी एक्टिंग वगैरह सीखी है, तो इतना कुछ आप मतलब पहले से डिसाइडेड था कि आपको इसी फील्ड में जाना है, कभी कुछ और सोचा नहीं कि कहीं सुहेल अगर एक्टर होते तो कुछ और होते? नहीं, नथिंग एल्स, कभी कुछ, मतलब वो था कि अच्छा ठीक है, होश संभालने के बाद मैंने सोचा कि एक्टिंग करनी है, तो उसका प्रोसेस क्या था, मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एनएसडी या एफटीआई, और दोनों के लिए पहले ग्रेजुएशन करनी थी, तो मैंने ग्रेजुएशन खत्म की फटाफट, और फिर मैंने एनएसडी किया. उन्होंने बोला कि पहले इतने आपको प्लेस करे होने चाहिए, मैंने तो दो प्लेस किए, तो उनको कुछ 10 प्लेस चाहिए था. मैंने कहा अभी इतने नाटक में कहाँ करूंगा, एफटीआई जाता हूँ, वो ऐसी चीज नहीं मांग रहे. तो आई प्रिपेयर्ड फॉर एफटीआई, आई क्लियर्ड द एंट्रेंस, और वहां पे सब कुछ सीखा, क्योंकि मन में चीज क्लियर थी कि अगर एक्टर बनने आना है, और इतनी अवेयरनेस मुझे शुरू से थी कि बहुत रैंडम है, कि अगर आप देखोगे तो हर तरीके का एक्टर है, हर तरीके का स्टार है, कि उनमें लुक्स भी नहीं मैटर करती, टैलेंट भी नहीं मैटर करता, और कई जगहों पर बहुत ज्यादा मैटर करता, कि कई लोग सिर्फ लुक्स की वजह से हैं, कई लोग सिर्फ टैलेंट की वजह से. तो इतना जब कुछ रैंडम है तो मतलब आपके हाथ में है नहीं. तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हाथ में क्या है, हाथ में है बॉडी, आवाज और क्राफ्ट. तो क्राफ्ट सबसे अच्छी कहाँ सीखी जा सकती है हिंदुस्तान में, वो था एफटीआई. सो आई प्रिपेयर्ड, लाइक मैंने पूरी अपनी एनर्जी उस जगह पे लगाई कि काम अपना अच्छी जगह से सीखो, ताकि काम की सेंस बहुत अच्छी हो. तो वो है कि अगर आपको काम आता है तो एटलीस्ट आप सस्टेन करोगे. बिल्कुल. फिर ये सब सोचा था बचपन में, वो कर के आ गए. ज्यादा समय नहीं लूंगी आपका, बस कुछ और क्वेश्चन है थोड़े से जो पूछना चाहती हूँ. क्या और अर्न किया है, नॉट मनी, यहाँ पे आने के बाद क्या कुछ अर्न किया है एज अ पर्सन? प्यार, प्यार, बहुत सारा प्यार. और लाइक स्ट्रेंजर्स, जो लोग आपको जानते नहीं और वो आपके काम से प्रभावित होते हैं, उनका प्यार, लाइक पीपल रूट फॉर यू विदाउट नोइंग यू, ये बहुत, ये सिर्फ क्रिकेटर्स के साथ होता है, लाइक स्पोर्ट्समैन के साथ होता है ना, कि हम पर्सनली नहीं जानते विराट कोहली को, बट वी ऑलवेज रूट फॉर हिम. तो जब वैसा प्यार मिलता है, आप
आपके कैरेक्टर्स के लिए आपको, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और बहुत ही बेहतरीन दोस्त दिए मुझे इस शहर ने, क्योंकि शहर में जब फैमिली आपके साथ नहीं होती तो दोस्त आपकी फैमिली होते हैं। तो आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड कि मेरे को बहुत अच्छे कोलीग्स मिले हैं और बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं यहाँ पे। सुहेल, हम भी आपको जल्दी से देखना चाहेंगे, बैक टू बैक आते रहिए प्लीज, मिलते रहिए, और होपफुली अगली मीटिंग हमारी फेस टू फेस हो, क्योंकि अब कोरोना भी शायद खत्म ही हो रहा है ऑलमोस्ट। तो शर्मा जी, नमकीन देख के तो मजा आ गया, नो डाउट, वंडरफुल पिक्चर, एंड कांग्रेचुलेशंस आपको इसके लिए, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। सुहेल, मजा आ गया आपसे बात करके, बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, कल मुंबई से ढूंढ रही थी कि किधर है कहाँ है, लेकिन अब जाके आप मिले हैं फाइनली। So thank you for your time and बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सुहेल। Take care. Same here. Take care. Okay. Bye bye. Thank you.